यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यशायाह अध्याय 48। हे याकूब की घराने, यह बात सुन, तू जो इसराइली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ तो खाते हो और इसराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे तो अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इसराइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकलती, मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वह बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हटीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इस बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उन घटनाओं के होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। कहीं ऐसा न हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है और मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से हुआ, तूने यह सुना है। सो इन सब बातों पर ध्यान कर और देख, क्या तू उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुम्हें नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें जिन्हें तू नहीं जानता था सुनाता हूं। वे तो अभी अभी सृजी गई है और प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। कभी ऐसा न हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना। हाँ, इससे पहले तेरे कान खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करता है और गर्व ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। मैं अपने ही नाम के निमित्त क्रोध करने में विलंब करूंगा और अपनी महिमा के निमित्त अपने तई रोक रखूंगा। ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालू। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में से तुझे चुन लिया है। मैंने अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? मैं तो अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इसराइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, क्योंकि मैं वही हूं। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय ही मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दहिने हाथ ने आकाश फैलाया। फिर जब मैं उनको बुलाता हूं, तब वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सबके सब इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसी ने कभी इन बातों का समाचार दिया है? वह जिससे यहोवा प्रेम रखता है, वही बाबुल उस पर की इच्छा पूरी करेगा और कश्तियों पर उसी का भुजबल जा पड़ेगा। मैंने, हाँ मैंने ही कहा और मैं ही ने उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त नहीं कही। जब से वह था, तब से मैं वहां हूं और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इसराइल का पवित्र है, वह यो कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तो तेरी शांति नदी के और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता और तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती और उसका नाम मेरे सन्मुख से काटा और मिटाया न जाता। तुम बाबुल में से निकल जाओ, कश्तियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात को प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक भी इसकी चर्चा फैलाओ और कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। और जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे न हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी पिलाया, पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। यहोवा का यही वचन है कि दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं।